ज्ञान प्रदर्शनी जो इसका नाम उत्सव दिया गया है, इसमें उपस्थित प्रिंसिपल एसबी मेमोरियल स्कूल प्रभाकर जी, उपस्थित पूरे राज्य से विभिन्न विद्यालयों से आए हुए प्रतिनिधिगण, छात्र छात्राएं, अभिभावकगण, शिक्षकगण एवं मीडिया के प्रतिनिधि, मैं अपने स्तर से आप लोगों को बधाई देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया है। और इसका मुख्य प्रयोजन ये है कि हम लोग भी जब बच्चे थे अपने स्कूल में, हम लोग के यहाँ भी इस तरह के आयोजन बड़े रूटीन तरीके से हुआ करते। विज्ञान प्रदर्शनी या किसी भी प्रदर्शनी में भाग लेने का जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष या सबसे सबल पक्ष है वो यह है कि बच्चों में साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने में काफ़ी सहायक होता है। इसमें जाने अनजाने बच्चे जो विज्ञान के अलग अलग पहलुओं से अवगत होते हैं, रूबरू होते हैं। कई बार जो हम लोग दिखा रहे होते हैं उसके बारे में अगर पूरी जानकारी नहीं होती है तो कम से कम उसको जानने का प्रयास करते हैं और हम लोग का लेवल, नॉलेज लेवल थोड़ा बढ़ता है। और धीरे धीरे करके इसी तरीके से अगर बच्चे से ही ये भावना लोगों के, बच्चों के मन में आ जाती है तो साइंटिफिक टेम्पर जिसको बोलते हैं वो डेवलप होता है, चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल जाता है और साथ साथ आपके हर कृत्य में नॉलेज का जो अंश है, जो ज्ञान का जो अंश है वो परिलक्षित होने लगता है। ये सर्वविदित बात है कि ज्ञान के चक्षु जिस भी व्यक्ति का या जिस भी छात्र छात्रा का खुल जाए उसके विकास को कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पर कई छात्र छात्राएं हैं, सबका मैंने प्रदर्शनी में एक एक से बात की, अच्छा लगा और कई चीज़ों की जानकारी बच्चों को है, कई चीज़ों के लिए अभी भी थोड़ा सा प्रयास करने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो मैंने कहा वो ये है कि वो लोग भाग ले रहे हैं, और भी बच्चे जो शायद आज इस प्रदर्शनी में भाग नहीं ले पाए हैं वो आगे प्रयास करें कि अलग अलग स्तर से, अलग अलग ओकेजन्स पर जब भी कोई कार्यक्रम हो तो कम से कम भाग लेना जरूर सुनिश्चित कर। भाग लेना पहला कदम है, उसके बाद ही किसी सफलता को आदमी प्राप्त कर सकता है। अभिभावकों का बहुत महत्वपूर्ण रोल इसमें है, शिक्षकों के अलावा, क्योंकि हमारे बच्चे अपने पूरे दिन की दिनचर्या का सबसे अधिकांश समय आप लोगों के साथ गुजारते हैं। जो व्यस्तताएं बड़ी हैं आजकल, वर्किंग कपल्स हैं, पति पत्नी दोनों काम करते हैं, माता पिता दोनों काम करते हैं, ऐसे में कहीं बच्चों को जो हम लोग को समय देना चाहिए वो धनार्जन के क्रम में हम लोग भूल जाते हैं कि बच्चों को भी समय देना आवश्यक है। हम लोग खुश नसीब है कि हम लोगों के समय में मोबाइल नहीं था, डिस्ट्रैक्शन उतना नहीं था और माता पिता के पास पूरा टाइम था हम लोगों के लिए। अब ये धीरे धीरे परिस्थितियाँ ऐसी हो गई हैं कि ये समस्या लगभग सब घर में हो गई। अगर वर्किंग कपल्स नहीं भी हैं तब भी लोग टाइम देने से थोड़ा हिचकिचाते हैं, मोबाइल दे देते हैं, बच्चा रो रहा है तो उसको मोबाइल दे दीजिए। और धीरे धीरे एक समय आता है जब बच्चा उससे एडिक्ट हो जाता है, उसका आदि हो जाता है और तब हम लोगों में बड़ा खींच और फ्रस्ट्रेशन होता है कि हमारा बच्चा तो हमारी बात ही नहीं सुनता है, मोबाइल छोड़ता ही नहीं है, जिद्दी हो गया है। और इन सारी चीज़ों से, ये जो घटनाक्रम आजकल चल रहा है इससे हमारा बच्चा, आप सब ऑब्जर्व करिए कि धीरे धीरे हाईली अनसोशल होता जा रहा है। चार लोगों के बीच में अगर वो बच्चा चला जाए तो उसको मन नहीं लगता, और कहीं ना कहीं इसमें हम लोग का प्रयास का अभाव है। हम लोग को प्रयास करना चाहिए कि अपने बच्चों को समय दें। इस तरह की कोई भी गतिविधि है उसमें किसी भी प्रकार से, बहुत अच्छी प्रस्तुति नहीं भी हो लेकिन भाग लेना ज़रूरी है। तो आप लोग प्रयास करें कि अपने बच्चों को प्रेरित करिए कि वो भाग लें। वो जैसा भी बनाए, दो मिनट समय किसी चीज़ के लिए देगा तो वो बाकी चीज़ों से ज़्यादा उस चीज़ को समझेगा, और करने से बच्चे बहुत सारी चीज़ें समझते हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं स्कूल को के उत्तरोत्तर विकास के लिए। मैं अपेक्षा करूँगा कि आने वाले दिनों में जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर कई आयोजन साइंस के संदर्भ में किए जाते हैं, मैथमेटिक्स के संबंध में किए जाते हैं, कला से संबंधित किए जाते हैं, उसमें स्कूल की सहभागिता हो, बड़ी संख्या में लोग भाग लें। आगामी मार्च में बिहार दिवस का आयोजन होना है, दो दिवसीय कार्यक्रम है। मेरी अपेक्षा होगी कि
स्कूल से भी बच्चे वहाँ पर भाग लें, और पढ़ाई के अलावा बहुत सारे और पक्ष हैं, खेल कूद है, सांस्कृतिक कार्यक्रम जिसको हम लोग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बोलते हैं, उसका बहुत बड़ा महत्व होता है ओवरऑल कैरेक्टर डेवलपमेंट में, चरित्र निर्माण में। तो पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जिसमें कि लोगों को ध्यान देना चाहिए, बच्चों की रुचि किस चीज़ में उसको ध्यान दीजिए। हर चीज़ आजकल, हम लोग जब पढ़ते थे तो उस समय डॉक्टर इंजीनियर यही चलता था कि इन दोनों में से कोई एक ही आप हैं, नहीं तो आप कुछ नहीं है। अब चीज़ें बहुत बदल गई हैं, अब इतने सारे कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसके बारे में हम लोग जानते भी नहीं और लोग उसको परस्यू कर रहे हैं। तो आपका बच्चा किस चीज़ में रुचि रखता है उसको उसी चीज़ में प्रेरित करिए। वो खेल कूद हो सकता है, वो म्यूज़िक हो सकता है, वो पढ़ाई लिखाई हो सकता है, रिसर्च हो सकता है, वो एथलीट बनना चाह सकता है, वो एस्ट्रोनॉट बनना चाह सकता है, कुछ भी बनना चाहे उसको जिसमें रुचि हो उसमें उसकी मदद करें कि उसमें और अच्छा करने का प्रयास करें ताकि एक अच्छा इंसान और नागरिक देश के लिए बन सके। इस कार्यक्रम में आयोजित करने के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ और पुनः इस विद्यालय की उत्तरोत्तर विकास की शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ।